तो झांसी वाली रानी। जय मां काली। धन्य हो देवी, धन्य हो। ये विधाता का बहुत बड़ा संकेत है। कैसा संकेत बाबा? आओ मेरे साथ। वो देखो, परमात्मा ने तुम्हें झांसी और झांसी को तुम्हारे लिए चुना है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारे हाथ में ये दिव्य तलवार। इसे देवी मां के पश्चात केवल तुम उठाने में सक्षम हुई हो। महाराज गंगाधर का हृदय गंगा जल के समान निर्मल है, किंतु वो अंग्रेजों के षड्यंत्र में घिरे हुए हैं। अपने सबसे बड़े शत्रु को वो अपना मित्र बना बैठे हैं। सब उनसे अपेक्षा रखते हैं, किंतु सदैव उनकी उपेक्षा करते हैं। पर बाबा, ये बात महाराज क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि तुम्हारी तरह समझाने वाला उनके जीवन में कोई था ही नहीं। पर बाबा, वो हमारी बात भी तो नहीं मान रहे। समय लगता है, बरसों से पड़ी धूल की परत को साफ करने में समय लगता है, और ये मात्र तुम ही कर सकती हो। झांसी के लिए नहीं, महाराज के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए। बाबा, क्या हम उन धूर्त फिरंगियों से कभी जीत पाएंगे? इन फिरंगियों से क्या, तुम देश के जन जन के हृदय को जीतोगी, प्रेरणा स्रोत बनोगी। झांसी की रानी बनने के पश्चात जोर लगा ले अब ये धरती, चाहे आसमान, तभी त्यागेंगे झांसी को, जब त्यागेंगे हम प्राण। कितने संकेत दिए पर आप समझ ही नहीं पाए, और परिणाम अब आपके समक्ष। महाराज, आपने झांसी के उज्जवल भविष्य को झांसी से ही भार कर दिया। देखिए महाराज, झांसी में अंधियारा फैल गया है। आपने ना उनका मान रखा ना हमारी बातों का। गलती हो जाना गलत नहीं है, पर गलती से सीख ना लेना बहुत गलत है महाराज। अब झांसी की डूबती नैया को आप कैसे बचाएंगे? पतवार तो आपने जानबूझकर फेंक दिए महाराज। महाराज, thank you.
एक ऐसा सपना था रमा, आप हमें क्या बताना चाहती थी? बाबा आपने बिल्कुल सही कहा था, हमारा लक्ष्य तो सही है पर लक्ष्य का मार्ग गलत था। जिन कांटेदार झाड़ियों ने हमारी मातृभूमि की छाती को छलनी कर दिया है, हमें उनकी शाखाएं नहीं काटनी है बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पुनर्जन्म देने की क्षमता होती है और शत्रु कदापि पुनर्जीवित नहीं होना चाहिए। पुनर्जीवित तो हमारा आत्मविश्वास हुआ है बाबा, हमने शपथ ली थी कि झांसी की नींव को ऐसे तूफान के थप्पड़ों से हिलने नहीं देंगे। हमारे देश के सभी राजा मात्र नाम के राजा हैं, वास्तव में शासन तो इन फिरंगियों का है। न हमारे राजाओं का कोई वर्तमान है, ना कोई अस्तित्व है, ना कोई भविष्य है। जब स्वयं इनका कोई भविष्य नहीं है तो ये अपनी प्रजा का भविष्य कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? जाके महाराज और प्रजा के सुंदर वर्तमान और उज्जवल भविष्य का निर्माण करो। हाँ बाबा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ सकते। उन धूर्त फिरंगियों ने बहुत नृत्य कर लिया हमारे सम्मान को कुचलकर, पर अब तांडव करने की बारी हमारी है। हम अवश्य लौटेंगे बाबा, और ये मनु ना तो हार मानती है और ना ही गिरने से डरती है, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। वीरांगना, जिस मार्ग पे तुम निकल गई हो उसमें झांसी क्या पे तो संपूर्ण हिंदुस्तान, संपूर्ण भारत तुम्हें सदैव याद रखेगा। आज से झांसी से बढ़कर कुछ भी नहीं। बाबा हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। विजय भाव, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। ये स्वप्न कैसा संकेत दे रहा है तात्या जी? महाराज, स्वप्न तो जीवन को सही आकार देने का मार्ग दिखा रहा है, परंतु अगर हमने गलत मार्ग चुना तो इस जीवन को निराकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप क्या कहना चाहते हैं, हमने गलत मार्ग चुना है? क्षमा करें महाराज, आपको हमेशा सही संकेत मिले परंतु आपने मार्ग गलत चुना। मणिकर्णिका जी से आपके विवाह का शुभ संकेत सर्वप्रथम स्वर्गीय महारानी जी ने दिया था, और इस संकेत के कारण आपकी सहमति प्राप्त हुई। परंतु महाराज, मणिकर्णिका जी को इस प्रकार महल से निर्वासित कर देने से हमारी स्वर्गीय महारानी जी के आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा होगा। क्या हमने कुछ अनुचित कहा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। इन स्वप्नों का यही अर्थ है महाराज। महाराज, आप केवल वर्तमान को देख रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय महारानी जी अपनी दूरदर्शिता से आपके और झांसी के उज्जवल भविष्य को देख रही है। हम निर्णय ले चुके हैं। निर्णय बदले भी तो जा सकते हैं महाराज। स्वर्गीय महारानी जी के संकेत को ध्यान में रखते हुए मेरी गणना तो ये कहती है कि आपको मणिकर्णिका जी को वापस बुला लेना चाहिए। वो ही है झांसी का भविष्य। ये रमाबाई मरकर भी चैन से नहीं जीने देगी हमें। कितनी मुश्किल से उस मणिकर्णिका से छुटकारा मिला है, कहीं ये मुसीबत फिर से गले ना पड़ जाए। मनाओ, मनाओ।
मुरुगन जी, मनु का पता चल गया। कुछ लोगों ने उसको महल की ओर जाते हुए देखा है। महल की ओर? पर क्यों? इस क्यों का उत्तर तो हमें महल जाने पर ही मिल सकता है मुरुगन जी। हमें शीघ्र महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, हे देवा, कहीं उसके साथ फिर से कोई दुर्व्यवहार ना हो। चलिए। ये सच है या कोई डरावना सपना? फोन अभी थमा नहीं कि सामने ज्वालामुखी फटने को तैयार है। हिम्मत तो देखो इसकी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वापस आ रही है। शीघ्र महल के मुख्य दरवाजे पर जाकर देखो। याद रहे, महल का एक भी दरवाजा मणिकर्णिका को प्रवेश ना दिला पाए। जाओ। ये कोई पोलो का खेल नहीं है मणिकर्णिका, जो आप अपनी मर्जी से बीच मैदान कूद पड़ी थी। महाराज ने दंड दिया है आपको झांसी से बाहर रहने का। फिर एक बार अपनी मनमानी करते हुए वापस चली आई आप। महाराज का नहीं तो कम से कम उनके आदेश का तो मान रख लेती। आई साहेब, किस बात का मान रखना है और किसका नहीं, इसका निश्चय हम करेंगे। और वैसे भी ये हमारी और महाराज के बीच की बात है। इस तरह से बात करते बड़ों से, एक पहर महल से बाहर कह रही विनम्रता तूफान में उड़ाती चली आई आप। हम इस विनम्रता को प्राधीनता का रंग नहीं दे सकते। आई साहेब, हम आपसे विनती करते हैं, हमारा रास्ता मत रोकिए, हमें महाराज से अभी मिलना है। It seems she doesn't have any self-respect. कैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह महल में एंटर करना चाह रही है? चलिए, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं, पर आप क्या है कैप्टन रॉस? बिन बुलाए शैतान? क्योंकि हम हिंदुस्तानी मेहमान को भगवान मानते हैं, पर शैतान दूसरों के घरों में जबरदस्ती रहते भी हैं और उनका खून भी चूसते हैं। Close the palace gates. क्षमा करें रानी साहिब, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं महाराज ने इसे देख तो नहीं लिया? मनु, मनु, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, और तुम यहां क्या कर रही हो तुम बेटा? अपने लक्ष्य को देख रहे हैं। क्या? हाँ बाबा, अब ना ही हम झांसी छोड़ेंगे
और ना ही महाराज के साथ रिश्ते को तोड़ेंगे। यहाँ ना तो तुम्हारी बातों को कोई सुनने वाला है और ना ही समझने वाला। व्यर्थ परिश्रम करने से क्या लाभ बेटा? बाबा आप ही तो कहते हैं ना, कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। पर मनु बेटा। बाबा हमें महाराज से अभी मिलना है। हर सपने को आकार नहीं दिया जा सकता महाराज, क्योंकि सपने सच नहीं होते। बहने साहिब, रमा बाई के संकेतों से ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि जैसे हमने कुछ गलत किया हो? महाराज आप बहुत दयालु हैं। किसी को दंड देने के बाद आप विचलित हो जाते हैं, मगर ये याद रखिए कि आप एक राजा भी हैं और किसी भी राजा का निर्णय अटल होना चाहिए। अगर वो मणिकर्णिका आपके सामने अपनी नाक भी रगड़ दे तब भी आपका निर्णय नहीं बदलना चाहिए महाराज, वरना अपनी प्रजा के सामने उपहास बनकर रह जाएंगे आप। देखिए बहने साहब, ये बादल भी तो गरज कर उपहास उड़ा रहे हैं हमारा। देखिए ये बिजली और आंधी, कहीं हंस तो नहीं रहे हमारे निर्णय पर। उपहास तो मणिकर्णिका ने उड़ाया आपके विश्वास का, उन हत्यारों को भगाकर। और महाराज ये सारी बातें तो आपके मन का भ्रम है। याद रखिए, सपनों की डोर पकड़ते पकड़ते वास्तविकताएं पीछे छूट जाती है और हम मुंह के बल गिरते हैं। हम जानते हैं बाबा, आत्मसम्मान बहुमूल्य होता है पर देश का सम्मान अनमोल। इसलिए आज से हमारा देश, हमारी झांसी हमारे आत्मसम्मान से भी बढ़कर है। कैसी बातें करिए ये तात्या, समझाओ इसे कि जिस झांसी का भाग्योदय करने का हट कर रही है उसका तो भाग्य ही रूठा हुआ है। हम बात करते हैं मोरपन जी, आप चिंता ना करें। मनु, 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 मनु रुक जाओ बेटा, क्या कर रही हो मनु? रमा, अगर हम गलत हैं तो हमें सही रास्ता दिखाइए, कुछ तो संकेत दीजिए। आप गंगाधर राव नेवलकर मणिकर्णिका से विवाह करके उसे झांसी की महारानी बनाने का हमारा निर्णय बदलते हैं। दंड स्वरूप मणिकर्णिका को अभी के अभी झांसी से निर्वासित करते हैं। आप यहां कैसे? हमारा मतलब आप यहां वापस क्यों आई हैं? ये तलवार, ये तो काली माता की तलवार है, और इस दिव्य तलवार को उठा कैसे लिया इन्होंने? रानी साहब, वो वापस आ गई। कौन वो? कुछ नाम तो होगा। वो होने वाली महारानी, मेरा मतलब है मणिकर्णिका। भवानी,
कभी तो अच्छी खबर लाया कर। And where is she now? जी, अभी वो महाराज के साथ है। हमें आपसे कुछ बात करनी है महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमने आपके निर्णय के विरुद्ध जाकर मर्यादा का उल्लंघन कर दिया और इसलिए हम आपसे और आपकी प्रजा से क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। बस हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें अपने होने वाले महारानी के रूप में पुनः स्वीकार कर लें। वो मणिकर्णिका आपके सामने अपनी नाक भी रगड़ दे तब भी आपका निर्णय नहीं बदलना चाहिए महाराज। आपने झांसी के उज्जवल भविष्य को झांसी से ही बाहर कर दिया। महारानी जी के संकेत को ध्यान में रखते हुए मेरी गणना तो ये कहती है कि मणिकर्णिका जी को वापस बुला लेना चाहिए। हम आपसे और आपकी प्रजा से क्षमा मांगने के लिए तैयार है। हमें स्वीकार है। आज हमारी भी एक शर्त है। आपने हमारे निर्णय के विरुद्ध जाकर न केवल हमारा बल्कि हमारी प्रजा का विश्वास भी तोड़ा है और एक बार टूटा हुआ विश्वास जुड़ नहीं सकता, पर जीता जा सकता है। और इसलिए उस टूटे हुए विश्वास को जीतने के लिए हम चाहते हैं कि आप उन दोनों अपराधियों को हमारे हवाले कर दें। महाराज, हमने उन दोनों को मौत के मुंह से इसलिए नहीं बचाया था कि वापस मौत के मुंह में डाल सके, क्योंकि वो मृत्यु दंड के हकदार नहीं थे। मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए हम फिर से आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है, हम गंगाधर राव नेवालकर आपसे यानी मणिकर्णिका से विवाह अवश्य करें। इस विवाह में जीवन साथी तो होगा पर उसका साथ नहीं। रिश्ता तो होगा पर प्यार नहीं। सुहाग की निशानी होगी पर सुहाग और सुहाग सुहागन के रूप में विधवा का जीवन जिएंगे। और यही होगा आपका दंड। बरसों से पड़ी धूल की परत को साफ करने में समय लगता है और ये मात्र तुम ही कर सकते हो। झांसी के लिए नहीं, महाराज के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए। आज से झांसी से बढ़कर कुछ भी नहीं। अपनी झांसी के लिए हमें सब स्वीकार है। पर हमारी भी एक शर्त है, हम केवल आपकी रानी नहीं बनना चाहते हैं झांसी की। अपनी झांसी के लिए और हमें एक महारानी के सारे अधिकार चाहिए। हमें आपकी ये शर्त मंजूर है।
पर ध्यान रहे, ये सब अधिकार पाने के बाद भी पूर्ण रूप से महारानी नहीं बन पाएंगे। जिस प्रकार अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक को जलना पड़ता है, हम भी जलेंगे आपके जीवन से अंधेरे को मिटाने के लिए, सच और झूठ का फर्क समझाने के लिए, क्योंकि झांसी से बढ़कर कुछ भी नहीं। आप हमें जितना कष्ट देना चाहते हैं हम सह लेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने की प्रतीक्षा कर रहे हो। और कौन सी शर्त के बारे में सोच रही हैं? सोच नहीं रहे, देख रहे हैं। और वो क्या? वही जो शायद आप नहीं देख पा रहे। एक नया उज्जवल और आजाद सवेरा, जहां हमारा ध्वज गर्व से लहरा रहा है, हवाओं में जय घोष खुला हुआ है जिसे आप नहीं सुन पा रहे, पर शपथ है महादेव की, बहुत जल्द ये जय घोष आपको भी सुनाई देगी। ना जाने अब ये क्या खिचड़ी पका रही है। क्या कहा महाराज ने? ये जब भी हमारे पैर छूती हैं, हम धड़ाम से गिरते हैं। अब ना जाने कौन सा धमाका करने वाली है। महाराज ने हमें स्वीकृति दे दी आई साहब। किस बात की स्वीकृति? हमसे विवाह की स्वीकृति। विवाह की स्वीकृति। अब हम ही बनेंगे झांसी की रानी। झांसी की रानी। झांसी की रानी। महाराज ने स्वीकृति कैसे दे दी? वो शतरंज का खेल याद है ना कैप्टन रॉस? उसे हकीकत में बदलने का समय आ गया है। एक बार फिर अपना सारा ध्यान प्यादे पर लगा दिया, रानी को तो भूल ही गए। खतरे में पड़ गया कैप्टन रॉस। प्यादे को रास्ते से हटाकर रानी के लिए एक नई जगह बना दी। अब देखिए कैसे ये रानी आजादी का फायदा उठाती। आपकी जीत के सपने को हार में बदलने के लिए। अभी हमने केवल अपनी आंख उठाई और आपके झंडे का अस्तित्व तार तार हो गया। सोचिए जब हम शस्त्र उठाएंगे तब आपका और आपके इस झंडे का अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि ईश्वर भी सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हैं। तभी तो आज पवन देव ने हमारा साथ दिया। एक और बात, आपके इस चेहरे पर हार की कहानी लिखने हम आ गए हैं, इसलिए इस चेहरे को छुपाने के लिए जगह ढूंढ लीजिए कैप्टन रॉस। लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। सुनो सुनो सुनो,
शुभ समाचार सुनो, महाराज गंगाधर और होने वाली महारानी मणिकर्णिका के विवाह का शुभ मुहूर्त वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंच तिथियों बृहस्पति वासरे गति का फल शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया है। ये विवाह उत्सव होली के दिन से ही आरंभ हो रहा है, इसीलिए झांसी की प्रजा को महाराज के साथ होली खेलने के लिए महल में आमंत्रित किया जाता है। इस ढोल की आवाज से हमारे कान और सर फट रहा है। क्या चक्कर नहीं चला इस विवाह को रोकने के लिए, मगर इस चक्कर में हम खुद फंस रहे हैं। हमारा सर चकरा रहा है भवानी। रानी साहब, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर आप कहे तो मैं आपके लिए शरबत ले आऊं, अफीम वाला, उससे आपको आराम मिल जाएगा। हाँ क्यों नहीं, ले आओ। बस शरबत नहीं, जहर, और खुद पी लेना। शरबत लेके आओ, जाओ जाओ। क्या बात है बहनी साहब, आप इतना क्रोधित क्यों हो रही हैं? महाराज, आप कुछ नहीं महाराज, वो सुबह से हमारे सर में दर्द है और ये भवानी एक ही सवाल बार बार पूछ के हमारा सरदर्द बढ़ा रही है। वो सब छोड़िए, आप बताइए हमसे इस तरह अचानक मिलने कैसे आ गए, कुछ विशेष बात? जी बहनी साहब, वो विवाह का मुहूर्त निश्चित हो गया बहनी साहब। एक बार फिर सोच लो मनु, शायद तुम भूल रही हो कि आवेश में लिए गए निर्णय मुसीबतों को आमंत्रण देते हैं। मुसीबतों से डरकर मैदान छोड़ना कायरता की निशानी होती है, यही तो आपने सिखाया बाबा। ये भी तो सिखाया कि कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। बाबा, हमने सोचा भी और समझ भी लिया, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा त्याग। त्याग? कैसा त्याग? सच सच बता मानो, महाराज से तुम्हारी क्या बात हुई है? आज सच छुपाना पड़ेगा बाबा, क्योंकि ये सच आपको केवल तकलीफ देगा और हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा। बाबा, महाराज बुरे नहीं है, बस बुरे लोगों की चालाकियों के सामने हार मान जाते हैं। इसी हार को तो जीत में बदलना है हमें। कभी कभी अपनों को जीत दिलाने के लिए जानबूझकर हारना पड़ता है। वाह, महान सोच और प्रखर बुद्धि का ऐसा उदाहरण भाग्य से देखने मिलता है मित्र। अब मन की सारी शंकाओं को जड़ से निकाल फेंकी। कल का यह तूफान भी यही समझाने आया था कि झांसी का भाग्योदय आपके बेटी में निहित है। अब हमारी महारानी को आशीर्वाद देने में और विलंब मत कीजिए। मुझे तुम पर, तुम्हारे निर्णय पर पूरा भरोसा है। बात याद रखना बेटा, तो
तुम अकेले नहीं हो, चट्टान की तरह तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहेगा तुम्हारा ये बाबा। इस महल में रहकर महाराज को निकट से जानने का आपका निर्णय पूर्णतः सफल हुआ। अब विवाह की तैयारी आरंभ कर दीजिए। हाँ। और हाँ, आपके पास थोड़ा सा समय बचा है अपनी बेटी के साथ में रहने का, तो इस कम से कम समय में अधिक से अधिक स्नेह, प्यार और आशीष लुटाइए अपनी बेटी पर। और मुझे अनुमति दीजिए, विवाह की बहुत सारी तैयारियां जो करनी है